जी सर, बताएंगे आपका क्या नाम? सर मेरा नाम तो जितिश रैना है। किस विषय को लेकर आज आप प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं? सर पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएंगे। सर मैं पूंछ का रहने वाला हूँ, मोहल्ला खक्का नावन, वार्ड नंबर 17 का। सर मेरे एक ताऊ जी हैं, सर उनका नाम है योगराज। सर वो मेरे को मतलब नजायज़ तंग कर रहे हैं। किस विषय को लेकर आपको नाजायज जो है वो तंग कर रहे हैं? सर पहले तो मेरे फादर साहब की डेथ हो चुकी है। सर उनका नाम था सर सुभाष चंद्र। सर साथ में मेरे मदर साहब मदर की भी डेथ हो चुकी है, उनका नाम था दर्शना देवी। और सर उनकी डेथ होने के बाद सर मेरे को मतलब कि घर में धमकी दी जा रही थी फैमिली की तरफ से। उन्होंने धमकी दी जा रही थी? सर मतलब कि हम तेरे को मार देंगे, ये है वो है, तू यहाँ से चला जा, ये है वो है। मेरे फादर साहब को उन्होंने तंग करके रखा सर, उनकी वजह मेरे फादर साहब की वजह से उनकी डेथ हुई, मदर की भी। जी हाँ सर, सताऊ जी। पहले तो मैंने डीसी साहब का बहुत नाम सुना कि वो काम वगैरह करवाते हैं। सर उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो अगर मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा दें। तो सर सबसे बड़ी बात है कि मैं पूंछ का रहने वाला हूँ, और सर जो मेरा ज़मीन है सर वो मेरे फादर साहब मतलब खेती बाड़ी करते थे, और जब उनकी डेथ हो चुके हैं सर उसके बाद मेरे ताऊ जी ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है। सर मेरे को वहाँ पे जाने नहीं देते। तो सर मेरे घर है सर, उस घर पे भी कब्ज़ा करने पे अब आए हुए हैं। सर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहले तो पहुँचाई नहीं थी क्योंकि फैमिली का मैटर था, घर में बैठ के जाना था, लेकिन सर आप तो पहुँचानी पड़ी। उनसे जो SSP हैं उनसे क्या मांग करना चाहोगे? सर SSP साहब से मेरी यही मांग है कि मेरे को मेरा हक मिलना चाहिए जो है सर, और DC साहब से भी मेरी यही है। कितने समय से ये आपको लगातार जो धमकियाँ दी जा रही हैं? सर 2-3 साल से पहले से धमकी दी रही थी, और सर फिर मैं बूजी के घर आ चुका हूँ, तो सर फिर नहीं, सर फिर जब मैं घर जाता था सर तब मेरे को गालियाँ निकाली जाती थी, धमकियाँ दी जाती थी। सर मैं इसलिए मैं बूजी के घर आया हूँ, मेरे फादर साहब जब सीरियस थे सर उन्होंने बोला था कि बूजी के साथ रहना, इधर नहीं आना सर मार देंगे। सर वो मेरे एरिया मैंने इस वजह से छोड़ा हुआ कि मेरे को वहाँ पर बहुत बड़ा ख़तरा है। किस चीज़ का ख़तरा है आपको? सर मारने का, सर कोई घटना हो जाए, सर अगर मारा जाए तो सर मतलब कि मेरी फैमिली पहले जवाबदार है, तो उसके बाद प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल जो है वो खड़े किए हैं और मांग भी की है। जी सर। तो अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम तो उसके बाद सर यही होगा कि मतलब अगला कदम फिर ऊपर ही होगा सर, हेड तक, सर DC साहब से, SP साहब से। सर मेरी उनके साथ यही अपील है कि मेरे को मेरा हक मिलना चाहिए, और मेरा मतलब मसला सारा ठीक हो जाए। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो ज़मीन है वो आपके ही रिलेशन के जो रिश्तेदार हैं ताऊ जी, वो ज़मीन छीनना चाहते हैं? यस सर। तो अगर कोई डिपार्टमेंट अगर कोई कार्य नहीं करता तो उसके बाद जो है वो आप अगला कदम जो है वो किस तरफ उठाएंगे? सर अगर डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता तो फिर अगला कदम हम गवर्नर साहब से उठाएंगे। सर जल्द से जल्द मैं तो कह रहा हूँ कि SP पूंछ और DC पूंछ कार्रवाई करें। अगर कोई सर बड़ी घटना होती है तो इसके जवाबदार एडमिनिस्ट्रेशन है। आल जंडियाल सभा के सभी सदस्यों से निवेदन है कि आगामी 31 मार्च 2024 को आयोजित हो रहे आल जंडियाल सभा के चुनाव में राजीव जंडियाल को प्रधान पद पर और सुरेश कुमार जंडियाल को जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपना वोट और समर्थन देकर सफल बनाएं। ये दोनों ही उम्मीदवार आपके और सभा के कल्याण के लिए कार्य करेंगे।